हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर मिलने वाले हैं और आज का टॉपिक है कि अभी अभी जो 1 सितंबर 2024 से जो आपका आसाम रिपोर्ट टेक्निकल ट्रेड्स में 2024 को जो रैली का एक शॉर्ट नोटिस निकला हुआ है, उस पर बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि ये फेक नोटिस है, इसके ऊपर में प्लीज़ कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने भी जहाँ तक बात किया है तो मुझे भी अभी 100% ये नहीं पता चला कि फेक नोटिस ही है या फेक नोटिस ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने बात किया उससे पता, अभी तो 100% पता नहीं चला कि फेक नोटिस ही है, लेकिन जैसे भी दिख रहा है कि हाँ नोटिस आपका 1 सितंबर 2024 से आसाम रिफल टेक्निक ड्रेस में 2024 की जो रैली थी वो शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत सारे पोस्ट वैकेंसीज भी निकली हुई है जिसमें आपका क्लर्क की वैकेंसीज नहीं है। तो इससे भी एक अनुमान मुझे जहाँ तक लगा था क्लर्क की वैकेंसी नहीं है, मतलब कुछ हो सकता है, 99% चांस है होने का। बट बहुत सारे लड़के बोले ये एडिटेड है, 2024 आसाम रिफल टेक्निकल ट्रेडमेंट 2024 2022 की जो रैली थी उसका ही नोटिफिकेशन है, बस उसको एडिट करके वायरल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वायरल भी किया गया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर 1 सितंबर 2024 अगर रैली निकल गई और रैली अगर फॉर्म फिलअप शुरू हो गया, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा दिया शो करके, तभी आप लोग मानिएगा कि हाँ आसाम रिफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की 2024 की जो रैली है निकल चुकी है और अब हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा वहाँ। तब जाकर लेट मत कीजिएगा फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि अगर तब लेट कीजिएगा तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, तब लेट मत कीजिएगा आप। लेकिन अभी जो अगर मान लीजिए इसको सही है तो आपका पढ़ाई का लेवल अच्छा होगा कि हाँ वैकेंसी अब आ चुकी है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, कोई रिटन एग्ज़ाम में चाहे फिजिकल में कहीं फेल नहीं होना है। आप लोग यही मानकर चलिए कि हाँ आपको फिजिकल अच्छे से देना है, मेडिकल अच्छे से देना है, आपका रिटन एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो आप लोग पढ़ाई पे पूरा जल्द से 100% फोकस के साथ पढ़िए, कहीं भी आपको रिटन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे SSC GD का तो खैर हो चुका है रिटन एग्ज़ाम, आसाम रिफल टेक्निकल ट्रेड्समैन का रिटन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर BSF का जो CPF के द्वारा जो कलर की जो SCM पोस्ट की उसके भी रिटन एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप हुआ है केवल, तो उसके भी एग्ज़ाम में जो फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अच्छी बात है, अगर फेक नोटिस ही अगर उसको आप रियल मान के पड़ेगा तो आपका कंपटीशन के लेवल, आपका पढ़ाई का लेवल और स्ट्रांग होगा। लेकिन ये बात है, गलत है कि फेक नोटिस को वायरल करना, ये बहुत गलत बात है। मैं भी इसका कड़ा विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी फेक न्यूज़ को वायरल नहीं करना चाहिए, बहुत ही खिलाफ है, बहुत ही लोगों को इससे चोट भी पहुँचती है। कभी ऐसे नोटिस होते हैं जो वायरल हो जाते हैं, नोटिस फेक होते हैं, जैसे बहुत सारे लड़के डिप्रेशन तक चले जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा, मेरा तो ईजी नहीं है। तो आप लोग बस कोशिश कीजिएगा, आसाम रिफल टेक्निकल ट्रेड्समैन के वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहिएगा और मुझसे जुड़े जो जुड़े हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको हमेशा ऑथेंटिक और सही जानकारी दूंगा, मैं कोशिश करता हूं हमेशा। अगर मुझे कभी गलत खबर मिल जाती है, एक भाई है मेरा, वो एक दोस्त है, वो त्रिपुरा में, वो मुझे हमेशा मैसेज करके बताता है कि भैया ये देखिए हमारे ग्रुप में वायरल ये फेक नोटिस वायरल हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हाँ इस नोटिस को फिर चेक करके मैं बताता हूँ कि हाँ ये गलत है या फिर सही है, वो भी मुझे हेल्प करता है कभी कभी। तो ऐसे में कभी भी फेक नोटिस पे आप लोग वायरल ध्यान मत दीजिएगा, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। जब भी आसाम रिफल टेक्निकल ट्रेड्समैन का जो 2024 का जो रैली है वो आने को वो आएगा, अच्छी वैकेंसी आएगी इस बार भी, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, रेडियो मैकेनिक हो, या फिर कुक हो, या फिर कोई भी कॉबलर हो, टेलर हो, सफाई मैन हो, या फिर आया हो, या फिर आपका नर्सिंग स्टूडेंट हो, फिर आर्मर हो, सारे पोस्ट की वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द आएगी। अभी जो वैकेंसी जो शॉर्ट नोटिस में आया, अब देखते हैं इसका, 1 सितंबर तक हम भी वेट करते हैं इसका वैकेंसी जो है वो रियल है या फिर फेक है, तब तक हमें भी मालूम चल जाएगा कि हाँ इसका वैकेंसी जो है आपका फेक है या फिर रियल है, तभी हम अपना कुछ आगे में आप लोगों को मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से कुछ बता पाऊँगा दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन हाँ, और भी कुछ आपको भी जानकारी चाहिए होगा प्लीज़, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए और आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। जय हिंद।